तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में आप सब देख सकते हो मेरे सामने एक मोटर है और एक कैपेसिटर है। तो दोस्तों, आज के स्टूडियो में सीखने वाले हैं कि इस मोटर को कैपेसिटर से कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आज के स्टूडियो में इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आप सब देख सकते हो मेरे पास चार वायर है, जो कि एक दो लाल है और दो काला है, और एक मेरे पास कैपेसिटर है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाल वायर और एक काला वायर ले लेंगे, एक में ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, एक कैपेसिटर का एक वायर लाल काले से ज्वाइन कर देंगे और एक वायर लाल से ज्वाइन कर देंगे। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक वायर है पिन का, इसको हम लोग बोर्ड में लगा लेंगे। और दोस्तों, हम एक वायर लाल पे और दूसरा वायर भी लाल पे ही लगाएंगे। तो आप सब देख सकते हो मोटर चल रहा है। दोस्तों, आप सब देख सकते हो मोटर प्रॉपर रन कर रहा है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो मोटर चलने लगा। तो दोस्तों, हम ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं कैपेसिटर का। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हो यहाँ पे हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा दो मेन वायर रहता है उसको हमें एक लाल काले वायर पे लगा देना है, और एक कैपेसिटर और लाल वायर है इस पे लगा देना है। दो वायर लगा के हमें कर देना है कनेक्शन। तो दोस्तों, ऐसे तरीके से हम लोग अपने घर पे कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।